A world. Hi! Pirates! Shadow! Bagum! Jaan bachao! Ha! Main pirates ko apna din kharab nahi karne dunga. Inke liye to main akela hi kafi hu. Is baar to Medellin hum lekar hi jayenge isse. Yoo! Pehle main marunga isse. By the breath of the Mega Hammer, power guard! ये तो आसान था। By the breath of the Mega Hammer, Wing Play! सुनो अभी निकलते हैं यहाँ से चलो 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 पायरेट्स हार गए लेट्स जिंदाबाद और रियल हीरोज ऐसे ही लड़ाई खत्म करते हैं हाँ बिल्कुल ट्रॉल्स की तरह ओह ये तुम जानते थे कि हम आ रहे हैं हमारे लिए भी कुछ बचा सकते थे ओह नो वैसे मुझे तो ये अच्छा लगा ये बात उस गाय को बताओ लैंडफिस्ट कानून तोड़ने की वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है लॉयगुइड अगर बात इस गाय की है तो मैं इसे नीचे ले आता हूँ मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बच्चे तुमने कानून तोड़ा है और अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिर मैंने किया क्या है छोड़ो मुझे कभी नहीं बदलेगा लैंडफिस्ट तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की क्या ये आप क्या कह रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया प्लीज कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है खामोश हो जाओ लैंडफिस्ट दिखाई नहीं दे रहा कि काउंसिल अभी और हुजूर के इल्जामात सुन रही है तुम्हें भी मौका दिया जाएगा ये चोर है मुझे इससे अपना मेडालियन वापस चाहिए ऑब्जेक्शन लैंडफिस्ट चोर नहीं है ये तो बहुत ही ईमानदार और मेहनती है मैं तो चोर ही कहूँगा मेरी सबसे कीमती चीज इसने धोखे से मुझसे चुरा ली मुझ जैसे जंगजू को धोखा दिया इसने एक नायाब तलवार जो मुझे मेरे वालिद से मिली जो मेरे वालिद को मेरे दादा से मिली और उनको परदादा से आज मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरह लैंडफिस्ट और इसके साथियों ने चोरी की साथियों ने मगर मैं आराम से जंगल में जा रहा था एक ड्रैगन की तलाश में जब एक बड़े और खौफनाक से ट्रॉल ने मुझ पर हमला कर दिया इसने मेरी बात की और जब मैंने अपनी हिफाजत में उस पर पलट कर हमला किया तो उसकी मोटी खोपड़ी से टकरा कर मेरी तलवार टूट गई एक्सक्यूज मी आप कौन तुम जानते नहीं कि तुम्हारा सामना किससे हुआ है कोई मदद करो ट्रॉल ने हमला कर दिया है खैर उसके बाद मैं अपनी टूटी हुई तलवार लेकर किलेलिन के पास बैठे एक छोटे ब्लैक स्मिथ के पास गया जिसने अपने खराब जादू से मेरी तलवार को तबाह कर दिया और फिर उस तलवार का बचा हुआ मेडालियन भी इन जालिमों ने चुरा लिया डैडी ये तो बाद में पता चला कि इन्होंने किस तरह बेवकूफ बनाया मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ ये सब झूठ बोल रहा है तुम्हारे सामने मेगा हेमंत ने मुझे चुना था ये तो सब सिर्फ बहाने हैं और जब मैं अपनी चीज लेने वापस आया तो वो चोर भाग चुका था और सब कुछ वहां से गायब था वो घर भट्टी और मेडालियन वो मेडालियन मेरे बुजुर्गों की आखिरी निशानी थी जो इन जालिमों ने धोखे से मुझसे चुरा ली तो तुम्हें लगता है कि लैंडफिस इस मेडालियन के साथ जो हीरो वाले काम करता है वो तुम भी कर सकते हो बात को ना घुमाएं चोरी चोरी होती है एक मिनट मेरी बात सुनो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया फर्स्ट टाइम मेडालियन इस्तेमाल करने में मुश्किल हुई थी लेकिन अब ऐसा नहीं है तुम उस वक्त देखते जब मैंने उन पायरेट्स को आज मार भगाया था तुम खुद को हीरो समझते हो असल हीरो कभी भी मैजिक का सहारा नहीं लेता रिलैक्स सोरोजर सिर्फ इसलिए कि तुम और तुम्हारी फौज जादू को अच्छा नहीं समझती इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसे इस्तेमाल न करे ओह नहीं 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 मैं यहाँ सिर्फ लैंडफिस्ट की बात कर रहा हूँ ये लड़का सिर्फ एक ब्लैक स्मिथ है कोई जंगजू नहीं इसे कहें कि मेरा मेडालियन लुटा दे फिर देखिएगा इसकी असलियत आखिर एकमुल के कानून के मुताबिक ये मसला कैसे हल होगा बता
हीरो ऑफ एक्मुल और इस नौजवान के बीच होने वाले मसले का हल एक्मुल कानून के मुताबिक किसी तीसरे शख्स का बीच में आकर। बस ठीक है, ये मसला हल करने के लिए तुम दोनों को करना पड़ेगा मुकाबला। मुकाबला? चेस का गेम कैसा रहेगा? खामोश, कानून सबके लिए एक है और ये मुकाबला होगा तलवार से, जिसमें कोई जादू नहीं। जब तक फैसला ना हो जाए मेडालियन तुम दोनों में से किसी के पास नहीं रहेगा। मैं ख्याल रखूंगा इसका। मुझे जाना होगा। मुकाबले तक मेडालियन मेरे पास ही रहेगा। और अगर किसी को इससे मसला है तो कहे। ये मुकाबला होगा दो दिन के बाद, आज के लिए बस इतना है। गुड लक लैंडफिस्ट। तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं ब्लैकस्मिथ। आंखें खोलो मिनी ट्रोल, उस जोकर को हराने के लिए ये करना ही पड़ेगा। मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया। पहले तुम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही तुम्हें नाश्ता मिलेगा। अब छोटा सा काम करना है, सामने सीढ़ियां देख रहे हो ये, इसे उठाकर ऊपर जाना है। चलो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जल्दी। एक्मुल के हीरो, कार्गो में जा नहीं है क्या? जल्दी करो। मैं थक गया बहुत, और नहीं होगा कुछ खाने को है? ओ बेचारा, यकीनन तुम्हें इस कड़ी ट्रेनिंग के बाद भूख लगी होगी। जान, तुम्हें कितना ख्याल है मेरा, जानते हो मुझे इतनी भूख लगी कि मैं पूरी एक गाय खा जाऊं। ऐसे नहीं लैंडफिस्ट, पहले मेरे मूव फॉलो करो और इसे ले जाओ। क्या कह रही हो? दास करो सैंडविचेस के साथ? ये कौन सी ट्रेनिंग है सियान? रूल्स तो यही है। मुझे बहुत भूख लगी है। अपने पेट को इस वक्त भूल जाओ और ध्यान दो पावर। इसी मुझे भूख लगी है। तो इसे जीतना होगा, अगर तुम असली हीरो हो तो मुझे हरा के दिखाओ। Come on, तुमसे बेहतर तो एक कछुआ भी फाइट कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपना सैंडविच खुद बना लूंगा। मुझे खाना चाहिए। Come on! बहुत जबरदस्त सीसी, मुझे तुम्हारी ये टेक्निक बहुत पसंद आई। आगे बढ़ो, जाओ। नहीं नहीं कैप्टन, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा ऑर्डर है। कुछ मजा नहीं आया। लॉगुड, तुम ट्राई करोगे? हाँ क्यों नहीं, और जोर एहतियात से, कहीं तुम्हें लग ना जाए। और जोर ट्रॉय का सबसे बेहतरीन तलवारबाज है, जादू के बगैर लैंडफिस्ट उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तुम उस बच्चे को जानती नहीं हो, अब हमें कुछ ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ये लो। वाह, अब मैं आराम से बैठ के सैंडविच खा सकता हूँ। नहीं नहीं, लैंडफिस्ट, असल जंग लड़ने के लिए सिर्फ बॉडी की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है दिमाग की। मेरा सैंडविच। लैंडफिस्ट माय बॉय, जरा ध्यान लगाओ। पेट में कुछ नहीं है, कहाँ से लगाओ ध्यान? पेट में कुछ हो या ना हो, लेकिन दिमाग खाली रहना चाहिए। आंखें बंद कर लो, अब विजुअलाइज करो सैंडविच, और आंखें मत खोलना, महसूस करो कि आखिर सैंडविच कहाँ है। या, यही कहीं है।
उसकी खुशबू महसूस कर सकता हूँ। मैं सैंडविच के करीब ही हूँ। बहुत खूब लैंडफिश, कोशिश करो, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। फिक्र मत करें निकोलेट, मैं अपना सैंडविच जल्दी ढूंढ लूंगा और खा जाऊंगा मजे से। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, इसे काफी देर लगी। तुम लोग कहाँ चले गए? मेरा सैंडविच, सैंडविच, मेरा सैंडविच शायद ढूंढ लिया। मुझे लगता है अब ये तैयार हो गया है। आज लैंडफिश के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये कहां से आएगा और जोर की तलवार के साथ? जल्दी उठो और अब ये मामला खत्म करो बच्चे। वैसे भी मेरा खानदानी मेडेलियन तुम्हारे पास काफी अरसा रह चुका है। तुम्हें एक दंगी से उसका मेडालियन चुराने का हिसाब देना होगा ब्लैकस्मिथ। ना तो मैं ब्लैकस्मिथ हूँ और ना ही चोर। कभी सैंडविच डांस के बारे में सुना है? नहीं, मगर तुम सुन लो, मैं तुम्हारे टुकड़े करने वाला हूँ। बताओ कौन करूँगा? चोर। हार मान जाओ, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं ब्लैकस्मिथ। हिम्मत मत हारो लैंडफिश, तुम उसे हरा सकते हो। ये लो, ये पी लो, फ्रेश हो जाओगे। थैंक्स, बहुत प्यास लगी थी। वैसे ओरो जोर को हराना इतना आसान नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो लैंडफिश? लैंडफिश, कॉन्सेंट्रेट। हे ओरो जोर, मैं जादू के बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसने जादू का इस्तेमाल किया, ये चीटिंग है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा नेचुरल टैलेंट है। देखना चाहोगे तो ये देखो। और अजुर ने मुकाबला जीत लिया और मेडालियन तुम्हारा हुआ। ओह यस फादर, मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। शायद अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि असल हीरो कैसा होता है लैंडफिश। ट्रॉल, मेरा मेडालियन वापस करो। ही बस, ये मेरा हुक्म है। जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ए, जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो अभी, क्योंकि ये मेडालियन कुछ दिन ही तुम्हारे पास रहेगा। फाइनली मेडालियन वापस आ गया और जोर के पास। बेवकूफ कहीं के।
बात नहीं है, हर दफा कोई नहीं जीत सकता। हारने के बाद ही तो जीत का असल मजा आता है। ट्रेनिंग शुरू करें। नहीं, मुझे नहीं करनी। ऑरोज़ोर ने सही कहा मेरे बारे में। मुकाबले में बेईमानी हुई। लैंडफिस्ट, तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया। मैं उनके जरिए जो फ्रेडा के रूप में आई। वो जूस का ग्लास, लेकिन क्यों? ताकि मेटालियन के पीछे थानोस और पायरेट्स जाएं, क्योंकि अकेले ऑरोज़ोर पायरेट्स को संभाल नहीं पाएगा। मतलब वो खतरे में है, मुझे उसको जाके बचाना होगा। एक रियल नाइट। हम भी साथ चलेंगे मिनी ट्रोल। रुको, मेरे पास प्लान है। जारी मुझ पर कितना फखर करेंगे। अच्छा मुकाबला किया ऑरोज़ोर। बेहतर होगा कि तुम ये मेडालियन मुझे दे दो, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। मैं दूसरी बार इस मेडालियन को नहीं खो सकता। अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो, एक एक करके। तू आ जाओ। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि एक एक कराओ। मेरे ड्रैगन से उतरो। छोड़ दो उसे। हट जाओ बच्चे, ये मेडालियन अब तुम्हारा नहीं। ऑरोज़ोर, मेडालियन मुझे दे दो, मुझे पता है थानोस से कैसे लड़ना है। अच्छी कोशिश थी ब्लैकस्मिथ। ये तो सब एक साथ मिलकर मार रहे हैं। तुम्हारी मौज आ रही है। इस बैरल में मौजूद पानी को ऐसे जमाओ कि लैंडफिस्ट और ऑरोज़ोर के गिरते ही बर्फ की दीवार बन जाए। पावर ऑफ आइस। मैंने दीवार कहा था, स्केटिंग रिंग नहीं। कौन है ये लोग? आखिर ऐसा जादू कैसे कर लेते हैं? मेडालियन इधर दो। थैंक यू हिबिस, मैं मारूंगा। हिबिस से लैंडफिस से फिर मेरे पास से आगे बढ़ते हुए जा रहा हूँ। गोल की तरफ गोल करता हूँ तो मैं बता देगा। ये मैंने उसको पास आपको दिया, मुझे वापस दिया। और अच्छी बात से मैंने थानोस को पास कर दिया। क्या तो फिर स्केटिंग हो जाए। वो मेडालियन मुझे दो। क्या फायदा तुम्हारी इतनी ताकत का ट्रोल, जब तुम वक्त पर काम ही ना आ सको। तुम और तुम्हारे दोस्तों का खेल खत्म हुआ बच्चे। कभी नहीं। अगर किसी को भी हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अकेले हो, हार मान जाओ। लैंडफिस्ट, अपने दुश्मन को महसूस करो, आसपास की चीजों को तसव्वुर करो। जीत तुम्हारी होगी। और मैं तो समझता था कि लैंडफिस्ट मेडालियन के बगैर कुछ नहीं। तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा, बस देखते जाओ कि वो क्या करता है। मुझे जो देखना था मैं देख चुका। लैंडफिस्ट कैच। थैंक्स ऑरोज़ोर, बाय द ब्रेथ ऑफ द मेगा हैमर, पावर गार्ड। मुझे सैंडविच डांस के लिए मजबूर मत करना। Next time. इतना बेहतरीन खेला फिर भी हार गए। चलो वापस चलो। इन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए मुझसे। ये लो ऑरोज़ोर, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे एक चोर समझो।
जब मैंने कहा था कि तुमने इसे मुझसे चोरी किया है तो मेरा मतलब ये था कि तुमने उधार लिया है इसे। क्यों ना अब इसे तुम ही रख लो, कम से कम जब तक थानोस नहीं जाता, और इसको तुम सिर्फ उधार ही समझना, मुझे वापस भी चुकाना होगा तुम्हें। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके काबिल बनने की। अच्छा नन्हे ब्लैकस्मिथ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, जरा इधर आओ। चलता हूँ दोस्तों, डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और ये सुनकर वो हैरान रह जाएंगे कि मैंने किस तरह थानोस और उसकी टीम को हराया। हाँ बस कुछ लोगों ने थोड़ी सी मदद की थी मेरी। तो उसने क्या कहा? हाँ कोई खास बात लग रही थी? नहीं नहीं कुछ खास नहीं। लैपिस! ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, उसने कहा मेडेलिन के साथ और बगैर भी ट्रॉय का सबसे बड़ा हीरो मैं हूँ। हेलो, तुम क्या समझी मैं तुम्हें भूल गया? एक सच्चा हीरो सबका ख्याल रखता है। चलो